गणेश, अब करते हैं पूजा। आज है चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, और हमारा है रथ। अब कर रहे हैं पूजा भगवान जी की। नहा लिए हैं, मैं भी नहा ली हूँ, समाधि भी नहा लिए हैं। आजी समाधि नहा के आ गया, समाधि हम नहा लिए हैं। ओके, हम आप जय जय करेंगे गणपति पप्पा की। ओके, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया बप्पा, मोरिया रे बप्पा, मोरिया रे बप्पा, मोरिया रे गणपति बप्पा, मोरिया सत्यनारायण, मोरिया बोलो गणपति बप्पा, मोरिया। क्या कहना है आपका? मुझे कहना है कि आप भी हमारे साथ पूजा करिए, पापा को मनाइए, और पापा है दीदी के दादा, पापा आपको सब कर देंगे। हे पापा, मैंने जो भी आपसे मन में माना मांगा था वो मेरा पूरा कुछ हो गया है, कुछ अभी बाकी है वो भी पूरा करो, और मेरे पे दया दृष्टि बनाए रखो, और जो आगे मेरे संकट आए उन्हें हरते रहना प्रभु। ओम त्रिवेदो देवभ्यो स्नानं कृष्णोऽप्यामि नमः। ओम गणेशाय जलमाचरणे समर्पयामि नमः। ओम त्रिवेदो देवभ्यो जलमाचरणे समर्पयामि नमः। ओम तिलकं समर्पयामि नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। पटक दे तुम पटक दे अक्षत चढ़ा दो, अक्षत ये है ना, मैं अक्षत इधर आ जाओ, अक्षत क्यों तू भी कर देती हूँ, फिर मेरे मुझे बुला, बस आपने चावल ले लो, फूल ले लो, तो शुरू करते हैं कथा। पार्वती जी ने कहा,
वैशाख माह के दिन पर की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती जी, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए और उस दिन पर पितरों ने नाम के गणपति जी की आराधना करके कमल घटे हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था उसको मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुने। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रणती देव नाम के पिता भी राजा हुए, जैसे अग्नि तिनके के समूह को भस्म करते थे वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। एम कुबेर इंद्रादी उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक शिष्य ब्राह्मण उनके राज में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की दो स्त्रियाँ थी। सुशीला सदैव कोई ना कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी, वह सदैव कृपा कर भोजन करती थी। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर दक्षिण वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को कहा, माता पिता बोली, अरे सुशीला, तुमने इतने उपवास किए, फिर तूने एक दुर्बल कन्या को पैदा किया, मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसे हष्ट पुष्ट हूँ, कैसे भी बालक को मैंने जन्म दिया है। अपने शौक का ये गाँव सुशीला पीड़ा देने लगा है। दुर्गा देवी गणेश जी को पूजा करने लगी। शंकर नाशक गणेश जी गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया था, आज को वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन किया और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती का मुंगा गिरते रहेंगे, इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा, ऐसा कहकर गणेश जी अदृष्ट हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र हुआ, तदनंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। Yeah.